हेलो मेरे दोस्तों, तो कैसे आप सब। आपके लिए एक और बार फिर आपका भाई डिमांड पे हाजिर हो चुका है दो शू के अंदर कंपैरिजन करने। आपके लिए मैंने शू मंगाया हुआ था बाका बुकी का एंड वेक्टर एक्स, तो दोनों में आज कंपैरिजन होने वाला है। तो दोनों में बेस्ट शू कौन सा है, बेस्ट एंड चीप इन प्राइस पर शू कौन सा हुआ है, तो वो आपको बताया जाएगा। तो वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है, चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो भाई आप ही का लास्ट वीडियोस पे इतना अच्छा मेरे को रिस्पांस रहा था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, तो आपकी ही डिमांड पे व्यूअर्स के लिए मैं दोनों शूज़ जो मंगाए थे उसका कंपैरिजन लेके आया हूँ। तो एक शू है हमारा वेक्टर एक्स और दूसरा शू है हमारा बाका बुकी का। दोनों शूज़ हमारे सेम कैटेगरी के हैं, हाइकिंग और ट्रैकिंग शूज़ हैं, काफ़ी अच्छे शूज़ हैं, हाई एंकल शू हैं दोनों की दोनों, तो इन दोनों का कंपैरिजन तो बनता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ये मैं बॉक्स खोलूँगा, तो ये वाला है हमारा वेक्टर एक्स का शू, उसका भी एक पीस निकाल लेते हैं, बाकी को साइड कर देते हैं, इसको रखते हैं यहाँ पे। तो सेकंड बॉक्स है हमारा बाका बुकी का, तो बाका बुकी का भी हमारा यहाँ पे ट्रैकिंग शू है, तो इसको भी हम एक निकाल लेते हैं, बाकी यहाँ पे रख देते हैं। तो दोनों का हमने एक एक शू निकाल लिया है, तो दोनों में हम कंपेरिजन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हो आप लुक्स में, देख सकते हो ये थोड़ा बूट कट टाइप का शू है, इसका भी सोल काफ़ी मोटा है, इसका भी सोल काफ़ी मोटा है, बट इसका सोल मेरे को ऑफरऑल ज़्यादा पसंद आया क्योंकि इसकी ग्रिप ज़्यादा बड़ी है। दोनों की ग्रिप का कंपैरिजन कर सकते हो आप, देखो ग्रिप का कंपैरिजन देखो, इस वाले की वेक्टर एक्स की ग्रिप मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है इसके अकॉर्डिंग, बट ऐसा नहीं है कि बाका बुकी की ग्रिप बेकार है, इसकी भी काफ़ी अच्छी ग्रिप है, तो उसको बेकार नहीं कहेंगे बट इसको ज़्यादा अच्छी कहेंगे। लुक वाइज में आप देख सकते हो ये थोड़ा स्पोर्ट्स टाइप में लगता है, ये थोड़ा बूट में लगता है। तो इसमें कलर का अकॉर्डिंग इसमें काफ़ी सारे कलर आते हैं और इसमें खाली ब्लैक, ब्राउन और ये टैन कलर आते हैं। तो अगर आप ओवरऑल कंपैरिजन देखें तो ये कपड़े का है, मटेरियल की बात करें तो ये कपड़े का है, थोड़ा बहुत इसमें रैक्सिन लगा हुआ है, बाकी सारा कपड़ा लगा हुआ है। और वहीं बाका बुकी की बात करें तो इसमें सारा रैक्सिन लगा है और थोड़ा बहुत कपड़ा लगा हुआ है। दोनों वाटरप्रूफ शूज़ हैं, 100% तो खैर कोई भी नहीं होता वाटरप्रूफ, बाकी रेन वगैरह में अगर आपका कीचड़ वीचड़ में पैर जाता है तो इनमें पानी नहीं घुसेगा, वो ऊपर से होके दोनों में निकल जाएगा। तो दोनों सेम कैटेगरी के शूज़ हैं, बाकी मटेरियल दोनों का अलग अलग है। इसका है हमारा रैक्सिन का मटेरियल और इसका है कपड़ा जो कि काफ़ी अच्छा कपड़ा है, वाटरप्रूफ कपड़ा है। तो आप देख सकते हो लुक वाइज में ये कलरफुल है, ये आपका बूट के जैसा है, तो आप खुद कंपैरिजन कर सकते हो आपको कौन सा लेना। और प्राइस के अकॉर्डिंग बात करें तो ये हमारा 1400 रुपये का है, 1399 1400 रुपये का पड़ता है अगर। और वेक्टर एक्स की बात करें तो ये 6 नंबर आपको 1860 रुपये का पड़ता है, बाकी 7 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर जो भी आपका अकॉर्डिंग है वो थोड़ा कॉस्टली है, वो 2200 के अकॉर्डिंग है, 2200 के अकॉर्डिंग। तो ये 6 नंबर मेरे को काफ़ी सस्ता पड़ा क्योंकि मेरा है ही 6 नंबर, इसलिए मैंने मंगा लिया था, तो वो ऑनलाइन मेरे को सस्ता दिखा रहा था, मैंने मंगा लिया 1860 रुपये का। बाकी आप अकॉर्डिंग आपके फुट के अकॉर्डिंग लेते हो 7 नंबर 8 नंबर तो वो थोड़ा कॉस्टली है, 2200 के अकॉर्डिंग है। और ये आपका एक ही प्राइस में है 1400 रुपये का, कोई भी साइज़ ले सकते हो। और दोनों ही जूतों का मैं वेयर करके अगर दिखा दूँ तो बस मेरे खुद को थोड़ा इग्नोर करना, मैं वैसे ही वेयर कर लेता हूँ बेड पर बैठा बैठा ही। तो इसको वेयर करने के लिए काफ़ी मशक्कत क्योंकि हल्का सा टाइट ही है, क्योंकि सॉक्स वगैरह नहीं पहने हुए, तो इसको मैं वेयर कर लेता हूँ अभी। ये देख सकते हो गाइस, इसकी मैं जैसे टाइट कर लूँगा, काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें जैसे इसको टाइट करने के, तो इसकी आप लुक देख सकते हो। ये देखो अगर लेकिन बांध लेता हूँ गलत बन गया, कोई बात नहीं, इंसान से गलती होती है, गलत बन गया दोबारा। तो इसके लेसिस बांध के आप देख सकते हो कैसा लग रहा है, मैं दोनों का पहन के आपको दिखाऊंगा। साथ में बाका बुकी का भी पहन लेता हूँ मैं, इसके भी लेसिस टाइट करेंगे और कंफर्टेबल कौन सा है ये भी मैं आपको पहन के अभी बताता हूँ, थोड़ा सा चल लूँगा। तो ये देख सकते हो गाइस, तो ये देखो किसका जो बैठ के बन गया,
ये देखो किसका लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसका या इसका? साइड प्रोफाइल से मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो दोनों का आप कंपैरिजन कर सकते हो, कौन सा आपको शू ज़्यादा बेटर लग रहा है। देखिए बागाबुकी का शू है ये, आपको कैसा लग रहा है सारे एंगल से मैं दिखाता हूँ। और साथ में ये वेक्टर एक्स, ये भी कलरफुल है, तो ये भी इसका भी लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख सकते हो यहाँ से। ये देखो साइड लुक देखो, तो दोनों में आपको कौन सा शूज़ ज़्यादा बेटर लग रहा है, आप दोनों में कंपैरिजन कर सकते हो पहनने के बाद। तो ऐसे भी देखो, ऐसे भी देखो, ये देखो कौन सा जूता ज़्यादा आपको बेटर लग रहा है। मेरे को तो दोनों ही कंफर्टेबल लग रहे हैं। इस वाले जूते में ज़्यादा मोटी कुशनिंग है, मैं आपको कुशनिंग दिखा दूँ, ये वाली कुशनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा मोटी कुशनिंग है। इसमें भी है, इसमें ऐसा नहीं पतली कुशनिंग है, पर इसके अकॉर्डिंग वेक्टर में ज़्यादा कुशनिंग है, बट दोनों जूते कंफर्टेबल हैं। आगे से ये वाला हल्का सा ज़्यादा ऐसा खुला खुला था, बट इतना भी ज़्यादा खुला नहीं है, कम्फर्टेबल है, ये भी अच्छा है। दोनों जूते बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है। बजट में आपको जूते देखने तो दोनों में से कोई भी कंपेरिजन, कोई भी जूता ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि ये वाला बढ़िया वाला बेकार है, आप ये भी कंसीडर कर सकते हो। आप ये भी, अगर आपको बूट पसंद है तो आप ये वाला ले सकते हो, आपका अगर स्पोर्ट्स में पसंद है तो आप ये वाला ले सकते हो। तो कंपेरिजन आपको कैसा लगा? ऐसी ही बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में अगले दिन, थैंक यू। तो गाइस कैसी लगी आप सभी को वीडियो? ऐसी वीडियो देखने में अगर आपको आता है मज़ा तो चैनल कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। मिलते हैं फिर अगले दिन अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।